वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा हेयर कलर जो कि नेचुरल हर्ब से बनाया गया है। उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, अमोनिया फ्री है और जितने भी नेचुरल हर्ब से उसके अंदर मिक्स करके बनाया गया है। सो गाइस, ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, यहाँ तक कि पर्सनली लोग भी मुझसे पूछते हैं कि कुछ ऐसा हेयर कलर बताइए जिसे हम करें और हमारे बाल भी कलर हो जाए और हमारे बालों में कोई नुकसान भी ना हो, केमिकल फ्री हो। सो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ वो हेयर कलर। सो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, वो है बायोटिक का हेयर कलर। जैसे कि आप जानते हैं मैं बायोटिक की बहुत सारे प्रोडक्ट का रिव्यू करती है क्योंकि मुझे बायोटिक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही नेचुरल रहते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा मिलता है। सो ये जो बायोटिक का हेयर कलर है मैं इसे काफ़ी टाइम यूज़ कर सकती हूँ, ये मल्टीपल एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो मेरे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे हस्बैंड के बाल छोटे छोटे हैं तो उनकी मैं बहुत टाइम तक ये चल सकता है। अगर आपके भी हस्बैंड के लिए आपको लेना है तो ये बहुत ही अच्छा है, केमिकल फ्री है। तो चलिए इसके बारे में आपको रिव्यू करके बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपने बालों को कलर कर लिया है, तो आप देख सकते हैं मेरे बालों का कलर। मैंने अपने हस्बैंड के बालों को भी कल कलर किया था, तो यहाँ पर मैं बिफोर एंड आफ्टर दोनों दिखा दूंगी। सो चलिए आपको बताती हूँ ये बायोटिक हर्ब कलर के बारे में। तो ये जैसे कि आप देख रही है बायोटिक, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे बायोटिक हर्ब कलर है, ये कंडीशनिंग कलर है, नो अमोनिया, केयर एज यू कलर। तो ये बहुत ही अच्छा है, अमोनिया फ्री है ये, और इसका जो शेड है वो 3N डार्केस्ट ब्राउन है। तो यहाँ पे अलग अलग शेड में मिलता रहेगा, तो मुझे डार्केस्ट ब्राउन चाहिए था, मतलब नेचुरल लुक आना चाहिए, जैसे पता नहीं लगना चाहिए कि आपने हेयर कलर किया, जिसको मतलब ना एकदम ब्लैक चाहिए ना कि एकदम ब्राउन चाहिए, मीडियम शेड में चाहिए, जैसे डार्केस्ट ब्राउन। तो जैसे कि आप मेरे कलर को बालों को देख रहे हैं, ये डार्केस्ट ब्राउन है और मतलब ब्लैक दिख रहा है कैमरे में भले से, लेकिन नज़दीक आके देखेंगे, धूप में जाके देखेंगे ना, तो मतलब थोड़ा हल्का ब्राउन दिखेगा ये। और जितने भी ग्रे हेयर थे ना 100% उसे कवरेज देता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 100% ग्रे हेयर कवर करता है ये। और ये इसके अंदर 9 ऑर्गेनिक हर्ब एक्सट्रैक्ट के साथ इसे बनाया गया है। 15 मिनट्स ईजी एप्लीकेशन है, लास्ट अप टू 26 शैम्पूज। तो 26 शैम्पू होने के बाद आपका ये कलर निकलेगा, मतलब तो समझ लीजिए अगर हफ्ते में आप 2 बार शैम्पू कर रहे हो तो कितने टाइम तक चल जाएगा आपका, करीबन 3 से 4 महीना आराम से आपका ये जो कलर है वो चल जाएगा। सो जिनके बाल बहुत जल्दी ग्रे होते हैं ना, मे बी उनका थोड़ा जल्दी मतलब ग्रे हेयर आ जाए, लेकिन जो मतलब जिनके बाल नेचुरल है, ज़्यादा जल्दी ग्रे हेयर नहीं होता, तो उनका तो आराम से 5 से 6 महीना चल। जैसे कि मैं हमेशा नॉर्मली 5 से 6 महीने के बाद करती हूँ, लेकिन जब मुझे किसी चीज़ का रिव्यू करना रहता है उसे मैं रिव्यू करने के लिए मैं अपने बालों में लगा लेती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, आपको सिर्फ कलर करने लेना है अपने बालों को, उसका केयर भी करना है। अगर आप केयर नहीं करेंगे ना तो आपके बाल ख़राब हो जाएंगे। तो मैं अपने बालों का बहुत केयर करती हूँ, तो सिर्फ अरे ऊपरी नहीं, अंदर से भी आपको खाना पीना अच्छा सब कुछ रखना है, तभी जाके आपके बाल अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे आप मल्टीपल एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि ये बहुत ही अच्छा है, और अगर जेंट्स है तो बहुत टाइम बहुत बार इसे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लेके। और अगर मेरे जैसे बाल हैं उनके बड़े लंबे, तो मतलब 2 या 3 बार ये एप्लीकेशन हो सकता है आराम से। तो नेचुरल है, हेल्दी शाइन देगा और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग कलर रहेगा, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो चलिए इसको मैं आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा जितने भी यहाँ पे नेचुरल इंग्रेडिएंट है यहाँ पे पीछे दिया गया है, पूरे 9 हर्ब्स दिए गए हैं, पूरे 9 हर्ब्स दे के इसे बनाया गया है। तो ये मुझे काफी, सो गाइस, ये कलर यूज करने से पहले मैं आपको कुछ इसके प्रिकॉशंस बताऊं। अगर आपने रिसेंटली कोई कलर किया अपने बालों में, तो मेहंदी हीना लगाया है, तो प्लीज एटलीस्ट 2 से 3 महीना रुक जाइए, तब जाके कोई भी कलर अपने बालों में लगाइएगा। इसके अपने आईब्रोज पे अजेंस, अपने दाढ़ी मूछे वगैरह ये सब पे ना लगाएं, क्योंकि ये सब पे लगाने से, आईब्रोज पे लगाने से ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिकॉशंस ली गई है, बच्चों से दूर रखिएगा और धूप में मत रखिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है, और लगाने से पहले प्लीज़ ग्लव्स पहनेगा क्योंकि हाथों में कलर चढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, एंड इसके अंदर आपको पूरे 5 से 6 चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले तो आपको डेवलपर मिल जाएगा, आपको क्रीम मिल जाएगा, आपको कंडीशनर मिल जाएगा, शैम्पू मिल जाएगा, ग्लव्स मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी, जो कि मैं आपको दिखा दूंगी। एंड गाइस, इसे लगाने से पहले एक पैच टेस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि इन केस अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको कोई एलर्जी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैं आपको इसका और दिखा देती हूं, इसे ओपन करके दिखा देती हूं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी इसे यूज़ किया है, तो थोड़ी चीज़ें इसके अंदर ख़त्म हो गई हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर प्योर क्रीम है, तो ये क्रीम दिया गया है, तो मैंने यूज़ किया है, मेरे हस्बैंड ने भी यूज़ किया है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा बचा है क्वांटिटी में। और उसके बाद यहाँ पे ये क्रीम डेवलपर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये ख़त्म हो जाए तो कलर का कुछ मतलब नहीं है, यही मेन चीज़ होता है। और उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ इसमें दी गई है जो कि है इसके अंदर एक शैम्पू दिया गया है, आप ये कलर करने के बाद शैम्पू कर सकते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में दिया गया है। और यहाँ पे एक कंडीशनर दिया गया है, तो ये आप कलर करने के बाद करेंगे तो आपके बालों में शाइन आ जाता है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया है। सो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपने बालों में और अपने हस्बैंड के बालों में कैसे कलर किया है, उसके बाद का रिजल्ट मैं दिखाती हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्रीम ले लिया है, उसके बाद यहाँ पे मैंने डेवलपर मिक्स कर लिया है, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने बालों में इसको लगा लिया है, और मैंने अपने हस्बैंड के बालों में जब मैं लगा रही थी तब मैं ऐसे शूट करना भूल गई थी, आई एम सो सॉरी। तो वहाँ पे मैं यहाँ पे उनका बिफोर का नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन आफ्टर का दिखा देती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, उनके बालों में कितना अच्छा शाइन आया है। तो यहाँ पे मैंने दो बार शूट कर लिया, दो बार दिखा रही आपको। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मैंने अपने बालों को कलर किया है, और मैंने अपने हस्बैंड का शूट करना मैं भूल गई थी, मुझे बाद में आइडिया आया कि यार उनका भी मुझे शूट करना था, लेकिन उनके आफ्टर का मैंने आपको शूट करके दिखाया कि कितने अच्छे से बाल उनके शाइन कर रहे हैं, बहुत ही नेचुरल लग रहा है। और मेरे भी बाल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छा लग रहा है, शाइन कर रहा है, नेचुरल लग रहा है, कोई भी आपको ग्रे हेयर नहीं दिखेंगे, और मेरे इतने ग्रे हेयर है भी नहीं, मैं बस मुझे रिव्यू करना रहता है, मुझे अच्छा लगता है अपने बालों को कलर करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो बहुत ही अच्छा कलर है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं इसे, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। तो मुझे बहुत ही पसंद आया है, मल्टीपल एप्लीकेशन है, तो अगर आपको पसंद है तो आप भी ले सकते हैं, ये डार्केस्ट ब्राउन का शेड है। सो गाइज, आई होप सो आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अगर ऐसा कुछ नेचुरल हेयर कलर करना है तो ये बहुत ही अच्छा बायोटिक। सो गाइज, इसका जो प्राइस है वो है 250, बहुत ही बजट में है, तो आप मल्टीपल एप्लीकेशन में 250 में पा जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। सो इसे आप कोई भी वेबसाइट से ले सकते हैं, अमेजोन से या तो फ्लिपकार्ट, जो भी आप जहाँ से आपको लगता है सही तो वहां से जाकर आप ले सकते हैं। और मुझे तो बहुत ही पसंद आया, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था तो उनको अच्छा लगा, और मैंने भी ट्राई किया तो मुझे भी पसंद आया, इसलिए मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ, बहुत ही ऑनेस्टली रिव्यू किया है मैंने और अच्छा लगा है मुझे। सो आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, रूबीना शेख ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।